हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 43। यहाँ पे आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोलता है। वो बोलता है, अजय विजय एंड संजय आर पार्टनर इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:4:3। अजय विजय और संजय तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि ओल्ड रेशो दे रखी है 5:4:3। विजय फार्म से रिटायर हो गया वहाँ पे। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रिवेल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमलेटेड प्रॉफिट्स एटसेट्रा, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड दैट ऑफ संजय 1 लाख। वो बोलते हैं कि उनकी जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट के बाद, मतलब इसके अंदर रिवेल्यूशन की भी एडजस्टमेंट हो गई है, गुडविल की भी हो गई है, कोई भी प्रॉफिट्स वगैरह पड़े थे सबकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। उसके बाद उनकी जो कैपिटल है, अजय की कैपिटल है 2 लाख रुपए और जो संजय है उसकी कैपिटल है 1 लाख। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ अजय एंड संजय इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर सरप्लस और डेफिसिट। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखेंगे आप। आपने सिंपली क्या लिखना है, ये आपका है सॉल्यूशन नंबर 43। टॉपिक आपका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पार्टनर हैं आपके अजय विजय और संजय। रेशियो है इनकी 5:4:3। ये इनकी कौन सी है, ओल्ड PSR है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो इसका मतलब इनकी यहां से कौन रिटायर हो रहा है, विजय रिटायर हो रहा है, तो इनकी गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, 5:3। ये कौन सी रेशियो बन गई, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। किसकी किसकी बनी है, ये अजय की और संजय की बनी है, क्योंकि जो जाएगा उसके ऊपर हाथ रखना है, बाकी जो रेशियो बचेगी वही आपके नए पार्टनर्स की रेशियो बन जाएगी। अब क्या बोलता है, इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल आपको पता है जो आपकी टू बैलेंस CD में कैलकुलेट होती है, एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है आपको अजय की और संजय की। अजय की कैपिटल दे रखी है 2 लाख और संजय की कैपिटल दे रखी है 1 लाख। ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल है। अब वो क्या कहते हैं कि इस कैपिटल को यानी कि टोटल कैपिटल इनकी कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 3 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3 लाख। किसकी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 3 लाख रुपए हो गए। अब वो इसको क्या चाहते हैं कि हम इसको अपनी PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनकी नई रेशियो है 5:3 उसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये आ गया अजय, ये आ गया संजय। इसकी रेशियो क्या है, 5:3। रेशियो क्या है, 5:3। तो अब आपको क्या करना है, 3 लाख के 8 पार्ट करने हैं वहाँ पे। अगर आप 8 पार्ट करोगे तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका पार्ट आएगा, या मैं सीधा लिख देता हूँ ऐसे, 3 लाख × 5/8 इक्वल कर लेंगे इसको हम, ये चलेगा 37,500 का एक पार्ट आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 0,0,5,7 और ये हो जाएगा 187,500। इसका कैलकुलेट करते हैं तो इसका भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख × में इसका शेयर है 3 by 8, तो कट करोगे तो ये आएगा 37,500। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 9 और 2 11, ये इनके शेयर आ गए, ठीक है। अब ये जो आई है, ये इनकी कौन सी कैपिटल आई है, रिक्वायर्ड कैपिटल। आपको पता है रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होती है, ये इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल आ गई 187,500
और इसकी हो गई 112,500। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है रिक्वायर्ड कैपिटल। अजय की कैपिटल जो है रिक्वायर्ड वो है 87,500, मतलब इतनी कैपिटल उसकी होनी चाहिए एज पर हिज शेयर। और संजय की कैपिटल होनी चाहिए 112,500, ये होनी चाहिए। इसमें से आप माइनस करेंगे उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। अब यहां देखो, इसको चाहिए 187,500, लेकिन इसके पास ऑलरेडी कितना है, 2 लाख है, तो ये अमाउंट विड्रॉ करेगा, कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा, 12,500, ये क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड है 112,500, है के पास कितने ऑलरेडी, 1 लाख, तो ये 12,500 क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब सिंपल उसके बाद जनरल एंट्री करोगे, अगर ये कैपिटल विड्रॉ करेगा तो इसकी कैपिटल आपको कम करनी है, तो इसको आप डेबिट कर दोगे। आप सिंपल लिखोगे अजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,500 और 12,500। सेकेंड पे आते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करनी है, मतलब इसकी कैपिटल बढ़ानी है, बढ़ाने के लिए आप इसको कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैश लेके आएगा तो कैश बढ़ेगा, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। और उसकी कैपिटल आपको इंक्रीज करनी है, तो उसका कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे टू संजेस कैपिटल अकाउंट, टू संजेस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 12,500 और 12,500। इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है बेटा।